नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर का आमेर किला पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अरावली की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजा मानसिंह प्रथम बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। उन्होंने 1589 में यानी 1589 में इस किले की नींव रखी थी। फिर उनके उत्तराधिकारी लोग आगे आने वाले समय में इस किले का विस्तार और जो है नवीनीकरण करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में ये किला यानी कि 1727 में बनकर तैयार हो गया। इस किले की सुरक्षा को देखते हुए उस जमाने में इस किले के चारों तरफ 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। यही नहीं, आमेर किले से जयगढ़ किले में जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग भी बनाई गई थी। इस किले की हर एक चीज़ बहुत ही मजबूती से बनाई गई है, चाहे उसमें ये सागवान से बने हुए दरवाजे हों, इन पर लगे बहुत मजबूत ताले हों, या फिर इसके चारों तरफ की बाउंड्री वॉल हो। उस जमाने में भी तकनीक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। यदि आप देखेंगे कि यहाँ पानी गर्म करने की जो तकनीक थी, अगर आप उसको देखेंगे कि उस जमाने में कैसे पानी गर्म किया जाता था, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस किले में जो पेंटिंग की गई है दोस्तों, वो सब्जियों से की गई हैं और आप उन पेंटिंग को देख के हैरान हो जाएंगे कि उस समय सब्जियों से कैसी अद्भुत और अच्छी पेंटिंग की गई है। इस महल का जो शीश महल है दोस्तों, वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन शीश महलों में से एक है। जब यहाँ पर रात को मशाले जलाई जाती थी तो चारों तरफ जगमग हो जाती थी और ये शीश महल बहुत ही सुंदर लगता था। आमेर किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार कर लिया गया है। जयपुर शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये किला आमेर में पड़ता है, जो कि जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर है। आमेर किला काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। यदि आप यहां पैदल जाते हैं दोस्तों, तो आपको थकान हो जाएगी। यदि आपके साथ बच्चे या बुज़ुर्ग हैं, तो आप जो है अपनी गाड़ी से या टैक्सी से सीधे इस किले की पार्किंग तक जा सकते हैं। आप यहां हाथी की सवारी करके भी पहुंच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेंद्र डबास और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आमेर का किला और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी आमेर पैलेस या अंबर पैलेस। आप इस किले में पैदल भी जा सकते हैं दोस्तों, और हाथी की सवारी करके भी जा सकते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी से या जीप से इस फोर्ट की पार्किंग तक जा सकते हैं, जैसा कि हम जा रहे हैं दोस्तों। किसी समय पर ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। 1037 में कछवाहा राजाओं ने मीणा जनजाति के राजाओं को हरा कर इस जगह को अपने कब्जे में कर लिया था। आमेर में बसावट के साथ साथ राजा मानसिंह प्रथम ने 1589 में इस किले की नींव रख दी थी, यानी कि 1589 में उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू कर दिया था। आने वाले 138 सालों तक उनके आने वाले उत्तराधिकारियों ने इसमें अपने अनुसार जो है इसको विस्तार किया और नवीनीकरण किया, और 1727 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर में शिफ्ट कर ली थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस किले में आने के दो दरवाजे हैं। एक का नाम है सूर्य पोल, पोल मतलब गेट, और दूसरे का नाम है चांद पोल। तो दोस्तों, यदि आप पैदल या जो है हाथी से आते हैं, तो आप जो है सूर्य पोल से अंदर आएंगे, और मैं जो है पीछे अपनी गाड़ी से आया हूं, तो मैं जो है चांद पोल से अंदर आया हूं। दोस्तों,
इस किले को देखने के लिए आपको 150 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी और ये सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला होता है। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि महाराजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे। दोस्तों आमेर किले को अंबर किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अंबकेश्वर जो मंदिर है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। इस किले के आसपास अब भी लोग रहते हैं। दोस्तों जो ये आंगन आपको दिखाई दे रहा है ऐसे चार और आंगन इस किले में बने हुए हैं। ये कोर्टयार्ड उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। और जो ये सामने आपको गुम्बद दिखाई दे रहे हैं यहाँ से महाराजा अपनी सेना की सलामी लेते थे। जहाँ पे ये टिकट काउंटर था ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं उस समय पर यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है इसका नाम है सिंगपोल यानी कि शेर गेट। दोस्तों इस गेट पर बड़ी अच्छी जो है नक्काशी की गई है, बहुत सुंदर जो है पेंटिंग की गई है और यहाँ से आप चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला देख पाएंगे। दोस्तों ये जो सामने आप दरवाजे देख रहे हैं ये उसी समय के ओरिजिनल दरवाजे हैं जो कि सागौन की लकड़ी यानी टीक से बने हुए थे जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। आप उस समय के ये ताले देखिए बहुत मजबूत थे। आज भी ये ताला जो है सुबह खोला जाता है और शाम को बंद किया जाता है। दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं इस महल के सेकंड यानी कि दूसरे कोर्टयार्ड में, दूसरे आंगन में और ऊपर से ये दिखाई दे रहा है पहला कोर्टयार्ड जहाँ पर सभी फंक्शंस यानी ये होली दिवाली के फंक्शन हुआ करते थे। तो अब जो सामने ये आपको इमारत दिखाई दे रही है इसका नाम है दीवाने आम यानी कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस और इसका निर्माण राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। यहाँ पर राजा अपने सभी अधिकारियों के साथ अपनी प्रजा की सभी जो है फरियादें सुना करते थे और उन्हें जो है सोल्व किया करते थे। दीवाने आम के साथ लगती हुई ये दूसरी जगह है 27 कचहरी। इस जगह का नाम 27 कचहरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर लेखा चौका रखा जाता था यानी कि पूरा अकाउंट रखा जाता था क्योंकि उस समय में राजा के अंडर में 27 रजवाड़े हुआ करते थे और जो उन रजवाड़ों के अकाउंट्स होते थे उनका लेखा जोखा यहीं पे रखा जाता था। यहाँ से फ्रंट गेट का जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर आता है और ये है वो मेन रास्ता। ये जो बगीचा आप सामने देख रहे हैं दोस्तों इसका नाम है दिल आराम बाग और इसका नाम जो है उस आर्किटेक्ट के नाम पर पड़ा है जिसको इस किले को बनाने के लिए राजा मानसिंह ने नियुक्त किया था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इसका नाम है सैफरन गार्डन यानी कि केसर की क्यारी। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं जो सीढ़ियाँ बनी हुई है सामने ये जो है सैनिकों के चढ़ने और उतरने के लिए बनाई गई थी ताकि ऊपर से सैनिक जो है इस किले की निगरानी कर पाएँ और देख पाएँ कि किला सुरक्षित है या नहीं। ये आगे हैं हमाम घर यानी कि स्नान घर बाथरूम। तो दोस्तों ये ऐसे बाथरूम होते थे उस समय पर, काफ़ी बड़े और तकनीकी से बने हुए बाथरूम होते थे। ये देखिए इनमें जकूजी भी होती थी। उस समय पर बिजली ना होते हुए भी उनके पास ऐसी पानी गर्म करने की तकनीक थी दोस्तों जो आप देखेंगे तो आप स्तंभ रह जाएंगे। दोस्तों ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है इसका नाम है गणेश पोल और गणेश पोल जो है इस्तेमाल होता था राजाओं के प्राइवेट महल में एंट्रेंस के लिए। दोस्तों ये है फ्रेस्को पेंटिंग जो कि उस समय पर सब्जियों से बनाई जाती थी, काफ़ी सुंदर पेंटिंग होती थी। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों उस समय पर कोई भी नया महल बनाते थे तो वहाँ गणेश भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, इसीलिए इस गेट को गणेश पोल कहा जाता था क्योंकि इस पर गणेश भगवान की मूर्ति होती थी। तो अब हम तीसरे कोर्टयार्ड पे आ पहुँचे हैं जिसका नाम है दीवाने खास। यहाँ महाराजा अपने खास आदमियों से और दूसरे राज्यों से आए हुए राजदूतों से मुलाकात किया करते थे। इस दीवाने खास में चार इमारतें आती हैं, एक शीश महल, शीश महल के ऊपर पाली मंजिल पे है जस मंदिर और सुहाग मंदिर और शीश महल के ठीक सामने है सुख महल। तो अब आमेर किले का सबसे खूबसूरत महल दिखाते हैं आपको, शीश महल।
इसको जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा महल शीशों से बनाया गया है, इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता है। राजा जयसिंह ने 1634 में बेल्जियम से ये शीशे मंगवाए और यहाँ के लोकल कारीगरों से इस शीश महल का निर्माण करवाया। इसकी छत में जो गोल्डन लाइन है उस पे सोने का काम करवाया गया है। उस समय रात को यहाँ मसाले जलाई जाती थी और ये पूरा महल जगमगा उठता था। यहाँ शीश महल के पास भी शौचालय बनाए गए हैं जिनको केवल राजा और राजा के परिवार के लोग यूज किया करते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं मानसिंह महल। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है सुहाग मंदिर। यहाँ सुहागन महिलाएं बैठती थी, यहाँ कुंवारी और विधवा महिलाओं का आना मना था। उस समय में यहाँ पर रानियाँ अपनी अखंड जोत जलाती थी जब महाराजा लड़ाई के लिए बाहर जाते थे ताकि वो सही सलामत वापस आ पाए। यहाँ से जो चारों तरफ का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है। आप यहाँ से अरावली पर्वत देख सकते हैं, जयगढ़ का किला देख सकते हैं। ये है वो जयगढ़ का किला। दोस्तों उस समय पर जयगढ़ के किले को सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि वहाँ पे सैनिक जो है अपना अभ्यास करते थे। और यहाँ से आमेर किले से जयगढ़ किले तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी बनाई गई थी जो मैंने पहले भी दिखाया, और आगे भी इसमें मैं जो है उस सुरंग का रास्ता आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है इस किले से उस किले तक सुरंग से जाया जाता था। तो दोस्तों जयगढ़ का किला भी काफ़ी सुंदर है, आने वाले वीडियोस में उसको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस किले के चौथे कोर्टयार्ड की तरफ। दोस्तों मैंने इस किले में एक चीज़ जो है बहुत नोटिस की है कि हर चीज़ एक सिस्टम से और एक तकनीकी से बनाई गई है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं जो है सदुपयोग है। और जो ये नक्काशियाँ आप छतों में देखेंगे, जो दीवारों पे देखेंगे, वो बेहद खूबसूरत है। देखिए कैसी कलाकारी और चित्रकारी इनमें की गई है जो कि है बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों आप इस खूबसूरत महल के नज़ारे लीजिए, देखिए कि उस समय कितना अच्छा जो है ये किला बनाया गया था। मैं आपको मिलता हूँ चौथे कोर्टयार्ड में उसके इतिहास के बारे में आपको विस्तार से बताने के लिए। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं तुलसी आंगन में। तुलसी का हमारे धर्म में हमारे लिए बहुत महत्व है। जो तुलसी का पौधा है दोस्तों वो हर घर में हर मंदिर में लगाया जाता है। और उस समय भी जो है ये जो कोर्टयार्ड था ये जो था यहाँ पे तुलसी जो के पौधे लगाए जाते थे। और जो रानियाँ होती थी वो दिन के समय में सूर्य भगवान को तुलसी में जल अर्पण करती थी और रात के वक्त उसमें जो है दीपक जलाते थे और शाम को जो है भक्ति भाव से उसमें गीत गाते थे। तो अब हम आ पहुँचे हैं चौथे कोर्टयार्ड में। महाराजा मानसिंह 1589 से लेकर 1614 तक राजा रहे थे। तो आपको यहाँ इस कोर्टयार्ड में महाराजा मानसिंह पैलेस और उनकी रानियों के जो है कमरे जो है आसपास आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे उनकी रानियों के और उनके जो है कमरे थे। और इसको जो है जनाना महल भी कहा जाता था। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी और उन्होंने 12 रानियों के लिए अलग अलग अपार्टमेंट बनवाए थे। आप जब भी यहाँ जाएंगे किसी ना किसी फिल्म की या किसी ना किसी सीरियल की यहाँ शूटिंग होती हुई आपको मिलेगी। यदि आपको राजस्थानी पारंपरिक पोशाकें चाहिए या वस्त्र चाहिए तो वो आपको यहाँ इन दुकानों पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस किले से बाहर की तरफ और दिखाएंगे आपको वो सुरंग जो 1.5 किलोमीटर लंबी है और जाती है
आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट की तरफ। तो ये है वो सुरंग, अभी इसको बंद कर रखा है, कोरोना के बाद इसको खोला नहीं गया है। पहले जो है इस सुरंग से पर्यटक जो है आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाया करते थे। दोस्तों ये है मीना बाज़ार, यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं राजस्थानी जो पारंपरिक दुकानें हैं, पोशाकें हैं उनकी, तो आप यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पीछे गया है दीवाने आम काटा का। दोस्तों यहाँ पर महल में पानी की जो है सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए इस महल में 3 टाके यानी कि टंकियाँ बनाई गई हैं बड़ी बड़ी। जलेब चौक, दीवाने आम और राजा मानसिंह पैलेस का जो कोर्टयार्ड है उसके नीचे भी जो है साफ पानी की टंकियाँ हैं जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था उस समय पर। तो दोस्तों पूरा महल देखने के बाद हम वापस पहले वाले कोर्टयार्ड में आ पहुँचे हैं और ये है सूरज पोल यानी कि सूरज गेट। और दोस्तों ये है फ्रंट गेट इस महल का, इसी गेट से यात्री जो है पैदल आ सकते हैं या फिर हाथी की सवारी करके यहाँ आ सकते हैं। ये है वो विशाल गेट जो इस महल की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहे हैं। तो ये गेट काफ़ी मजबूत है दोस्तों और ये है रैंप से होते हुए आदमी इस सूरज पोल यानी कि सूरज गेट से अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये था आमेर किला, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इसके अलावा भी आप जो है जयपुर में बहुत कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो रास्ता जहाँ से गाड़ियाँ इस किले में आती हैं और ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं। तो दोस्तों आप आमेर किले को देखने के बाद नाहरगढ़ का किला भी देख सकते हैं। नाहरगढ़ का किला जो है जयपुर शहर के बनने के 7 साल बाद महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में बनाया था, जो कि बेहद खूबसूरत है और बिल्कुल जो है आमेर किले के पास ही है। नाहरगढ़ का किला और जयगढ़ का किला दोनों एक ही रोड पर हैं। जयगढ़ किले का निर्माण 1726 में मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा आमेर किले और उसके महल परिसर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। इस किले को विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। जयगढ़ का किला उस समय सैनिकों के लिए प्रशिक्षण जो है केंद्र था, यहाँ पर जो है सैनिक जो है प्रैक्टिस किया करते थे और वहाँ से आमेर किले की निगरानी भी की जाती थी ताकि कोई आक्रमण ना कर पाए। और जो सुरंग थी दोस्तों आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाती थी जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी थी। किलों के अलावा आप यहाँ अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देख सकते हैं। दोस्तों अल्बर्ट हॉल की स्थापना साल 1876 में 6 फरवरी को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी, उनके नाम पर इमारत का नाम रखा गया था। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय दोस्तों, यह संग्रहालय राम निवास उद्यान के बाहरी और सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई बिल्डिंग है। आप इसके अलावा ईसरलाट उर्फ सरगासुली परकोटा इलाके में त्रिपोलिया बाजार से दिखाई देती है। इस 7 मंजिला अष्टकोणीय मीनार को वर्ष 1749 में राजा ईश्वर सिंह ने बनवाया था, तो आप ईसरलाट देख सकते हैं। तो दोस्तों इनके अलावा आप गलता जी देख सकते हैं, चौकी ढाणी की सैर कर सकते हैं और आप जो है यहाँ लेपर्ट रिजर्व जो है देख सकते हैं। आप भूतेश्वर नाथ मंदिर देख सकते हैं जो कि काफ़ी सुंदर है। राज मंदिर सिनेमा देख सकते हैं जो कि काफ़ी फेमस और पुराना है। सिसोदिया रानी गार्डन देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। गोविंद देव जी मंदिर देख सकते हैं, सेंट्रल पार्क की सैर कर सकते हैं और बापू बाजार देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप वर्ल्ड ट्रेड पार्क देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है।
तो दोस्तों आप इसके अलावा जयपुर के पास चांद बावड़ी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद।